हेलो भाई, नमस्कार। मैं हूं अनोखा अंकित और फैक्टोरियल के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। यहां हम किसी एक टॉपिक को फैक्ट के माध्यम से आपको समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि जब एक बार भारतीय फुटबॉल टीम को फीफा वर्ल्ड कप खेलने का मौका मिला था तो उसने इसे खेलने से इनकार क्यों कर दिया, जिसका दर्द आज भी हम झेल रहे हैं। अब बात टीम इंडिया की। ये साल था 1950 का। 12 साल बाद फीफा वर्ल्ड कप होने जा रहा था, क्योंकि 42 और 46 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के चलते फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन नहीं हो पा रहा था। केवल 33 कंट्री ने ही क्वालिफायर खेलने की सहमति जाहिर की थी, यानी कि अपनी इच्छा जताई थी। भारत को क्वालिफायर 10 में वर्मा, म्यांमार और फिलीपींस के साथ रखा गया था, लेकिन वर्मा और फिलीपींस ने अपने नाम वापस ले लिए, जिससे हुआ ये कि भारत बिना क्वालिफायर खेले ही डायरेक्ट वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई हो गया। उसको वर्ल्ड कप का टिकट मिल गया, उसे तो बस अपना खेल दिखाना था। जब फाइनल राउंड का ड्रॉ तैयार हुआ तो भारत को पूल 3 में स्वीडन, इटली, पैराग्वे के साथ रखा गया। दिवंगत फुटबॉल पत्रकार नोबी कपाड़िया बताते हैं कि पैराग्वे उस समय इतनी शानदार या इतने अच्छे फॉर्म से नहीं गुजर रही थी, उनका प्रदर्शन ठीक ठाक था। वहीं इटली ने अपने 8 मेन खिलाड़ियों को अनुशासनहीनता के चलते टीम में शामिल नहीं किया था, और ब्राजील पहुंचते ही उनके कोच विक्टर पोजो ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया, यानी कि स्टेप डाउन कर दिया। यानी कि इटली की हालत अच्छी नहीं थी, और अगर 22 की बात करें तो इटली तो वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं कर पाया। बैक टू द हिस्ट्री। और केवल एक टीम स्वीडन थी जिसका प्रदर्शन भारत से बढ़िया था, तो हो सकता था कि भारत ग्रुप में दूसरे नंबर पर रहता। और ये बात इसलिए भी अहम हो जाती है कि भारत कोई नौसिखिया कंट्री नहीं था, उसको एक प्रतिष्ठित और प्रतिद्वंदी टीम के नजरिए से देखा जाता था, क्योंकि 1948 के लंदन ओलंपिक में भारत ने फ्रांस जैसी मजबूत टीम से भी मैच सिर्फ 2-1 से हारा था, यानी कि एक गोल के डिफरेंस से हारा था। भारत ने फॉरवर्ड्स और ड्रिबलर्स के जरिए पहचान बनाना चाहता था। भारत के एमए सत्तार, एस रमन, एस मेवालाल और अहमद खान जैसे खिलाड़ियों के लोग फैन थे। इन सभी खिलाड़ियों ने लंदन ओलंपिक के इस मैच को नंगे पैर खेला था, लेकिन उसमें भी एक खिलाड़ी थे, राइट बैक ताज मोहम्मद, जिन्होंने जूते पहनकर मैच खेला था। मगर सवाल ये कि भारत ने अपना नाम ब्राजील के उस वर्ल्ड कप से बाहर क्यों किया। देखिए, कई सारी बातें हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई स्पष्ट या क्लियर आंसर नहीं कि ऐसा क्यों हुआ। चर्चा होती रहती है, जिसमें अगर ऑफिशियल स्टेटमेंट की बात करें कि AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि टीम चयन में सहमति ना होना और अभ्यास के लिए पर्याप्त समय न मिलने के कारण टीम ने अपना नाम वापस लिया। लेकिन इसके बाद भी कई साल तक चर्चा होती रही, और एक चर्चा यह भी निकल के आई कि भारतीय खिलाड़ी फीफा वर्ल्ड कप नंगे पैर खेलना चाहते थे, जिससे फीफा को आपत्ति थी। लेकिन इस बात से ना ही नोबी कपाड़िया इत्तेफाक रखते हैं और ना ही जयदीप बसु की हाल ही में आई किताब इत्तेफाक रखती है, जयदीप बसु इससे इत्तेफाक रखते हैं। जयदीप बसु ने हाल ही में किताब लिखी है बॉक्स टू बॉक्स 75 ईयर ऑफ द इंडियन फुटबॉल टीम, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि फीफा को इससे कतई फर्क नहीं पड़ रहा था कि भारत नंगे पैर खेलने वाला है कि नहीं खेलने वाला। और वह उस समय के यानी कि लंदन ओलंपिक के 7 खिलाड़ियों के हवाले से लिखते हैं कि उस समय की टीम के 7-8 खिलाड़ियों के ट्रैवल किट में स्पाइक्स जूते रखे हुए थे। ये उनका पर्सनल चॉइस था कि वो इसे पहन के खेलना चाहते हैं कि नहीं खेलना चाहते। ये वो दौर था जब खिलाड़ी अपने पैर पर मोटी पट्टी बांधकर
मैच खेला करते थे और ये चलन 1954 तक कई अन्य देशों में भी था। तो सवाल अब ये कि क्या पैसा एक प्रॉब्लम था? जी हाँ, जयदीप बसु अपनी किताब में बताते हैं कि यस, ब्राजील जाने वाली टीम के लिए पैसा एक रोड़ा था, एक चुनौती थी, लेकिन इसका हल भी निकल आया था। तीन राज्य स्तरीय फुटबॉल संघों ने यह भरोसा दिया था कि जो भी खर्चा आएगा उसका हम कुछ हिस्सा आपको देने का वादा करते हैं। इसके अलावा नूबी कपाड़िया अपनी किताब में बताते हैं कि ब्राजील ने खुद भारतीय फुटबॉल संघ से संपर्क किया था और ये भरोसा दिलाया कि आपकी टीम का अधिकांश जो खर्चा है वो हम चुकाने का आपको वादा करते हैं। अब इस वादे के पीछे, इस भरोसे के पीछे दो वजह थी। पहला ये कि स्कॉटलैंड, तुर्की, फ्रांस और चेकोस्लोवाकिया ने भी वर्ल्ड कप से नाम वापस ले लिया था, उन्होंने भी अपने हाथ खींच लिए थे। और दूसरा ये कि ब्राजील ये चाहता था कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के देश की टीम ब्राजील में वर्ल्ड कप खेले। वहीं जयदीप बसु अपनी किताब में ये बताते हैं कि 16 मई 1950 को भारतीय फुटबॉल टीम का ऐलान कर दिया गया था जो ब्राजील जाने वाली थी, और तय कार्यक्रम के अनुसार जो कि शेड्यूल तैयार किया गया था, 15 जून को भारतीय टीम ब्राजील के लिए रवाना होती और 25 जून को भारत अपना पहला मैच पैराग्वे के साथ खेलता। लेकिन जयदीप बसु बताते हैं इसके बाद जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य था जिसका हल हम अभी तक ढूंढ नहीं पाए। अगर आप नूबी कपाड़िया और जयदीप बसु की किताबों को ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ना ही उस समय के खिलाड़ियों को और ना ही उस खेल को चलाने वालों को इस महत्व का पता था, इस इवेंट का पता था, इस वक्त की नजाकत का पता था कि वो क्या चूक रहे हैं, किस चीज की कमी करने जा रहे हैं। और उस समय भारतीय हॉकी टीम ओलंपिक की चैंपियन टीम थी, यानी कि हर एक की जीत का पैमाना या सक्सेस का जो पैमाना था वो एक तरह से ओलंपिक ही था, और जितने अधिकारी थे खेल को चलाने वाले उनका ध्यान ओलंपिक की तरफ ज्यादा था। और 1951 में नई दिल्ली एशियन गेम की भी मेजबानी करने वाला था, तो एक होस्ट के नाते ये जिम्मेदारी होती है कि हम अपने घर में प्रदर्शन करें। और शायद ये भी वजह हो सकती है कि फीफा वर्ल्ड कप ना खेलने की, कि हमें ध्यान अपने एशियाई खेल पर देना है कि भाई नाक ना कट जाए। और वैसे भी आजादी के बाद एक बहुत बड़ा गेम होने जा रहा था हमारी कंट्री के अंदर। लेकिन ये सारी गलती तो एक तरफ, हो सकता है कुछ नियमों की भी जानकारी ना रही। जैसा कि नियम ये कहता था उस वक्त कि अगर आप फीफा का वर्ल्ड कप खेलते हैं तो आपको प्रोफेशनल टैग मिल जाएगा, और प्रोफेशनल टैग मिलने का मतलब है कि आप ना ओलंपिक खेल सकते हैं ना एशियन गेम, क्योंकि ये खेलने के लिए आपके पास एमेच्योर टैग होना चाहिए। लेकिन इसका भी सोल्यूशन था, इसका भी रास्ता खोज लिया गया था। कुछ सोशलिस्ट कंट्री जैसे कि हंगरी और रूस अपने फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप की फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों को सेना का सदस्य बता देते थे, और वो ये कह सकते थे कि सेना का सदस्य प्रोफेशनल नहीं हो सकता है। भारतीय अधिकारियों को इसकी जानकारी शायद इतनी ना हो, इतने कानून का पता ना हो, और भारतीय जितने भी अधिकारी उनको ये डर हो कि ओलंपिक और एशियन गेम से उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। बस यही सारी वजह हो सकती हैं कि आज भी हम वर्ल्ड कप को लेकर अपना दर्द झेल रहे हैं, और हर 4 साल में ये दर्द कुछ ज्यादा ही हो जाता है। आई होप आने वाले समय में हमारी टीम क्वालिफायर करे और खेले फीफा वर्ल्ड कप में, जैसे कि वेल्स 64 ईयर्स के बाद फीफा वर्ल्ड कप उसने खेला। तो आई होप हम सब फीफा वर्ल्ड कप में भारत को खेलते हुए देखेंगे। अगर आप मुझे और ऐसे ही देखना चाहते हैं दानों का शो के इस चैनल पे, तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करिए, और केवल वीडियो को ही नहीं हमारे पॉडकास्ट द अनोखा शो को भी फॉलो और शेयर करिए। हमारा पॉडकास्ट आपको गूगल और स्पॉटिफाई पॉडकास्ट पर द अनोखा शो नाम से मिल जाएगा। अब मैं मिलूंगा फिर किसी नए एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दिलों में याद रखिए। अभी के लिए बाय बाय।
और उस वक्त भारत जो है वो